नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंकिता की रसोई में। आज हम घर पर बनाएंगे भेलपूरी। जैसी भेलपूरी आप मार्केट में खाते हैं वैसी भेलपूरी हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ये टेस्टी और चटपटी भेलपूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। और देखिए थोड़ी देर बाद तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को एकदम क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप ये भेलपूरी बनाकर ज़रूर खाइएगा। देखिए थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में मूंगफली अच्छे से चटकने लग गई है। अब हम मूंगफली को निकाल लेते हैं। मैंने इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाले हैं पापड़। यहाँ मैंने साबूदाने के छोटे वाले पापड़ लिए हैं। अगर आपके पास बड़े पापड़ हो तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ही फ्राई कीजिएगा। पापड़ डालने से आप देखिएगा भेलपूरी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। इसमें मैंने 2-3 चीज़ों का अलग से इस्तेमाल किया है जो अक्सर भेलपूरी में नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भेलपूरी में ये चीज़ें डालेंगे तो यकीन मानिए भेलपूरी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आपने भेलपूरी एक बार बना ली तो आप बार बार इसी तरीके से बनाकर भेलपूरी खाना चाहेंगे। तो देखिए पापड़ बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। अब उसी बचे हुए तेल में हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के मखाने। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। आप अगर भेल में इस तरह से मखाने को फ्राई करके डालेंगे तो इस भेल का जो टेस्ट है वो सुपर से ऊपर वाला हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं मखाने इस रेसिपी में। तो देखिए मखाने बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मखानों को इस तरह से छलनी में निकाल लीजिएगा ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। मखानों को फ्राई करने के बाद में देखिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल बचा है। अब हम इस तेल में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब ये तड़का बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें 2 कटोरी भर के मुरमुरे डाल देंगे। और मुरमुरों को डालने के बाद इन्हें भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे क्रिस्पी ना हो जाए। तब तक हम इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट में मुरमुरे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। मैं तोड़कर दिखाती हूँ और ये देखिए एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए मुरमुरे डाल देंगे। मुरमुरे डालने के बाद में अब हमें इसमें डालना है जो हमने मूंगफली फ्राई की थी वो सारी मूंगफली भी डाल देंगे, और जो मखाने भी फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम फ्राई किए हुए पापड़ भी इसमें डाल देंगे। सारे पापड़ डालने के बाद में एक बार इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, और जो पापड़ इसमें थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं उनको हम इस तरह से तोड़ देंगे। इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। आप चाहे तो इसमें जीरे को हल्का सा भूनकर भी पीस कर डाल लीजिएगा, उससे भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको एकदम चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्ची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है।
इसे आप इस तरह से बनाकर डब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। ये 3-4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब भी आपका कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे नमकीन की जगह खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। सारे सामान को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ ले लेंगे एक बड़ा सा बोल और इस बोल में हम ये मिक्स की हुई नमकीन डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ा सा और खट्टा बनाने के लिए एक नींबू का रस डाल देंगे इसमें। अब एक बार इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। और देखिए हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। और अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह सेंधा नमक या वाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक को डालने के बाद में भी एक बार बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, लेकिन देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे इसलिए मैंने ऊपर से इसमें थोड़े से अनार के दाने डाल दिए हैं। और ये देखिए हमारी जो मुरमुरे की हेल्दी चाट बनकर तैयार हो गई है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खाइए या शाम की हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये चटपटी तीखी भेल की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।